हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ये देखिए, हमारे हिमाचल में भाई 6-7 दिनों से तो ना भगवान जी ने अंधाधुंध करी हुई है, जिसको बोलते हैं। इतनी बारिश हो रही है, सुबह शाम दिन रात बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है पशुओं के लिए घास वगैरह करने का। और ये देखिए, अभी सुबह से ना बारिश में, ये देखिए मैं घास लाई, सुबह से लगी हुई थी बारिश। और मैं ना वेट कर रही थी कि कब जो बारिश है वो थोड़ी सी बंद होती है और गायों के लिए घास काटती हूँ, लेकिन बारिश जो है ना वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अभी थोड़ी सी देर के लिए 15 मिनट के लिए बारिश हुई थी बंद, बस मैं फिर वैसे ही दौड़ी। और फिर आपको मैं दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया ना, हमने घर के आगे पीछे बहुत सारा नेपियर लगाया हुआ है। नेपियर जो घास होता है, यहाँ पे जो घर के पीछे हमारे ऊपर इधर यहाँ इधर को खेत में, तो ये जो नेपियर है ना, ये बारिश के दिनों में हमारे लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं। क्योंकि ना एक तो ये फटाफट से बढ़ जाता है, इसकी आप बरसात में, मैं बोलती हूँ 8-10 कटाई है ये ना, 8-10 दिन बाद फिर हो जाता है काटने को, क्योंकि अभी 8-10 दिन पहले ही मैंने ये काटा था यहाँ पे, ये देखिए। और अभी ये फिर से ना, कब काटा था मैंने, राखी कब थी, राखी के टाइम काटा था मैंने ये ना, हाँ राखी वाले दिन ही काटा था। उस दिन हम गए थे तो सुबह पहले मैं घास कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कितना लंबा लंबा फिर से हो गया है। हो तो गया है 1 महीना, लेकिन इससे पहले भी ये कट सकता था अगर काटना। हम ना ज़्यादातर इसको बारिश के लिए रख रखते हैं बरसात के दिनों में ना, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है फिर उस दिन ना इसके 5-6 पुले लाते, कुछ फिर क्या करना होता, कुछ थोड़ी मिक्स करनी होती है। देखिए यहाँ पर बोरा मंगवा लिया मैंने नीचे से। हाँ जी बेटे, हाँ आई। और ये देखिए सार्थक और नैना दोनों को रखा हुआ है यहाँ पे खुली में। हाँ जी, हेलो नैना, मेरे से बात क्यों नहीं कर रही? अब इसका मूड क्यों खराब हो गया? क्या हुआ दीदी को? इनकी दोनों की आपस में कुछ खटपट हो रही है ना, और बीच में मैं पिसी जा रही हूँ। तो अभी मुझे काटना है। वैसे तो ना ये घास जो है वो गीला है, गीला घास खाने से ना पशु जो है वो बीमार हो जाते हैं, तो लेकिन क्या करें, मजबूरी है, खिलाना तो पड़ेगा ही। इतने सारे पशु हैं, इनको ऐसे भी नहीं रख सकते। और फिर जैसे बच्चियाँ वगैरह है ना, उनको तो हम तूड़ी वगैरह डाल दें, लेकिन दूध देने वाले पशु हैं उनको तो हरा घास चाहिए ही चाहिए। बारिश हो चाहे बर्फ़ हो, उनके लिए तो हमें लाना ही पड़ता है, तो इनके लिए ना लाना ही पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ। और अभी आप देख सकते हैं फिर से ना इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी। ये देखिए, आपको पानी में दिखेगा यहाँ पे, देखिए इधर इधर फिर से ना बहुत मोटी मोटी बारिश शुरू होगी है। तो अभी मैं कर लेती हूँ, वही देखिए मेरा घास काटने वाला संयंत्र, इसमें मैं करूँगी सानी। और थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नाम मात्र गायों के लिए भी करनी पड़ेगी मिक्स, क्योंकि इससे ना रजेंगे नहीं, फिर इनका पेट नहीं भरेगा, कम है क्योंकि ये तो दिन तक। तो मैं इसको कराऊंगी, कुछ ये हरा करूंगी ना, और कुछ तूड़ी डाल के ऐसे करना पड़ेगा। फिर शाम के टाइम देखते हैं, अगर भगवान जी ने निमड़ा किया तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना ही पड़ेगा बारिश में ही घास काटने के लिए, और पशु हैं तो इनके लिए घास तो लाना ही पड़ेगा। और चलिए अभी कर लेती हूँ, ज़्यादा बातें क्या करनी। तो चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। विलेज लाइफ ब्लॉग्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और आजकल आप सोच रहे होंगे कि आजकल मैं कुकिंग ही नहीं दिखाती, क्यों नहीं दिखाती, तो उसका भी कारण है कि वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो में। अभी मैं ना ये कर लेती हूँ, आगे बताऊँगी। तो चलिए अभी कर लेते हैं ये काम। तो देखिए जी, अभी यहाँ पर ना मैं लगी थी सानी करने, तो थोड़ा सा घास लाई हुई थी ना, थोड़ा तो क्या, वैसे तो 8 पुले हैं ये, जितना सा टाइम मिला ना थोड़ी सी उतने बारिश लगी गई थी, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। और अकेले ना सानी रूटना बहुत ही मुश्किल होता है इसमें, हाथ वाली मशीन में खुद ही पीछे से आपको घास को धक्का देना होता है ना, और खुद ही आपको आगे मशीन चलानी होती है। और इसमें ना कई बार घास जो है वो आगे आता ही नहीं है, मतलब फंस जाता है पीछे, तो फिर बार बार इसमें धक्का लगाना पड़ता है पीछे से घास को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सानी जो है ना वो काफ़ी सारी रूट दी थी यहाँ पे, टोका करना, सानी रूटना, अलग अलग भाषा यूज़ करते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे ये सारा का सारा ना मैं कर लूँगी। वैसे तो ये घास जो है ना वो गीला है, गीले घास को खा के ना गाय भैंसे जो है ना बीमार होने का डर भी रहता है उनका, लेकिन देना पड़ेगा क्योंकि भूखे भी नहीं रख सकते फिर इनको। और आज मेरे पास धैर्य नहीं है यहाँ पर हेल्प के लिए, फ़ोन मैंने ट्राईपॉड पर ही लगाया है। और अभी यहाँ पे लगी हूँ मैं, देखिए सानी मिलाने।
सानी में ना यहाँ पे मैंने कुछ तूड़ी ली है ना, जो बूढ़ा होता है, और बाकी जो ये हरा घास करा था ये है, तो इसको मिक्स कर दूंगी ना मैं इसमें। वैसे तो गिल्ला है ना घास, तूड़ी के साथ भी नहीं खाते हैं इसको, लेकिन मिक्स इसलिए की मैंने ताकि थोड़ा ज़्यादा हो जाए ना ये, और पशुओं का पेट भर जाए इससे। तो बस ऐसे ही मिक्स करके ना मैं ये दे दूंगी, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था चोकर ताकि खा जाए ना ये, क्योंकि जो तूड़ी है ना हमारे पशु उसकी वो मानते हैं, बांस मानते हैं, तूड़ी खाते नहीं है इतने अच्छे से। तो थोड़ा सा ना इनको फिर इसमें वो डालना पड़ता है अनाज, कुछ भी डाल दो आप, फीड, चोकर, आटा वगैरह कुछ भी ना इस तरह से डालना होता है। तो यहाँ पे मैं चली गई थी सानी डालने भैंस को। तो गाइस यहाँ पर मैं और सब देख रहे हैं, मम्मा को देख रहे हैं कि मम्मा क्या कर रही है। देखिए ये बच्ची अभी तक घास खा ही रही है, एक घंटा हो गया इसके, लेकिन थोड़ा सा एक पुल्टा नहीं खाया गया इस बेचारी बच्ची के। और ये बड़ी गाय 10 सेकंड के अंदर एक पुल्टा हजम भी कर जाती, 5 सेकंड में खाते हुए लगते, बाकी के 5 सेकंड में हजम कर जाती है। और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मम्मा जी यहाँ पे काम कर रही हैं, और बारिश हो रही है आज तो बहुत ज़्यादा ठंडा कल के मुकाबले में। वैसे यार रात से ही बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और रात से अभी तक हो रही है, और मम्मा जी बाकी गाय को घास दे रही हैं, और मेरे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। ये गाय बहुत डांस करती है, और ये पर डांसर गाय जो कि सबको उड़ा देती है। बात करे तो मैं वीडियो रोक रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ। हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है, मीना कवर हिमाचल स्पेशल पे। और ये सामने है मीना कवर हिमाचल स्पेशल। तो आज हम यहाँ गायों के पास, हम गाय को पानी पिला रहे हैं और मम्मा गोबर साफ कर रही हैं, और यहाँ अंधेरा अंधेरा सही दिख रहा होगा। और ये हमारा छोटा सा बकरू कितना बड़ा हो चुका है, पर अभी तक ये जितना था उतना ही उतना ही है अभी तक, कुछ बड़ा नहीं हुआ है बेचारा, सिर्फ लंबाई हो रही है। इसने भी पिया था, बस इन बाकियों ने पिया था, भैंस ने भी पिया था, बाहर सिंह वाली बच्ची और लाल बच्ची ने भी पिया था, और इसके बहुत चीरण हुए हैं। और देखिए इसके बहुत सारे चीरण हैं इधर, और हमने इसके आधे दांत लगा रखे हैं। यहाँ पर भी देखिए एक बेचरा यहाँ छुप के बैठा है, ये हमेशा पशुओं के गर्दन या फिर टांगों पर आके बैठ जाते हैं बेचरा चीरण, कुछ शर्म भरा नहीं। और हम इसे बाहर फेंकने जा रहे हैं, ले बकरी खाएगी। गाइस हमने चीन बाहर फेंक दिया, बकरी देखिए क्या कहा रही हो, क्या कह रही हूँ मैं, बच्ची भी घूर रही है दांत दिखाते हुए, ई मेरे दांत देख लो इतने साफ दांत हैं। और मम्मा आ गई शूठी से साफ करने, अब देखो अरे मुँह में मत मारो मेरे, रुको हाँ अब ठीक है, पर आप वीडियो में नजर दिख रहे। और बच्ची बेचारी डर रही है, क्या हो रही है, झाड़ लगाना जा रहा है, और कहीं से एक बच्ची देख रही है हमें, और अपनी चूड़ी भी खा रही है। अरे चीकर डाल रहे हो मेरे मुंह पे, अरे दूर दूर रहेंगे हम इनसे ताकि हमारे मुंह पे चिड़ ना आ जाए, चिड़ने से एक गोबर वाला पानी मेरे मुंह पे आ रहा है, वैसे आपके तो आई ना। चलो तो अब हम बाकी गायों को पानी पिला लेते हैं, सफाई भी कर लेते हैं। तो गाइज बारिश तो आज ऐसी लगी हुई है ना सुबह से कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये देखिए बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है बारिश। मौसम आपको दिखा रही हूँ मैं, कैसा मौसम है ये देखिए। और अभी मैंने पशुओं को पानी पिलाया, दिन का ना 1:30 बजने वाला है, 1:00 कुछ मिनट हो गए हैं, और मैंने ना इनको तूड़ी डाली हुई है, तो ये ना तूड़ी बिल्कुल नहीं खा रहे हैं सूखी ना, देखो ये देखो यहाँ पे इसको भी डाली हुई है, तो ये ना बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं सूखे उसके लिए, तूड़ी के लिए। अब कहाँ से लाएंगे इतनी बारिश जब लगी हुई है। सुबह ना मैंने बारिश में थोड़ा सा घास काटा था, वो कुछ सुबह सानी करके दिया इनको, और 3-4 पूड़े बचे थे यहाँ पे, वो मैंने अभी इनको फिर डाल दिए। तो भैंस को सानी दी है और इनको मैंने घास डाल दिया, ऐसा लगा कुछ कीड़ा चढ़ रहा है जैसे, और बस वो दिया। और अभी अब देखते हैं, देखती हूँ थोड़ी देरी, अगर शाम के टाइम को निम्बड़ हो जाता है तो
तब देखते हैं कैसे कैसे काटेंगे घास, नहीं तो फिर शाम को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या डालेंगे पशुओं को, अभी तो खा रही हैं। देखिए अभी तो डाल दिया इनको मैंने, जो भी था थोड़ा थोड़ा सबको डाल दिया। और ये ना भैं भैं कर रही है, क्योंकि ना सूखी तूड़ी अच्छी नहीं लग रही इनको खानी। तो चलिए चलती हूँ मैं वापस। मैंने कहाँ से लाना बेटा हरा बारिश में, तो छाता लिया हुआ है मैंने और चलती हूँ। सार्थक को ना मैंने सुलाया हुआ था, तो थोड़ी देरी देखती हूँ मैं भी, रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम करेंगे। ये चलो नैना, हम बारिश में कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमारी गाय भी क्या खाएगी, वही खाएगी भाई तोड़ी खाएगी। हमारी गाय देख के खुश हो गई, खुश हो गई, हमारी मालकिन आ गई है, अब खाने को हमको देगी, लेकिन मैं क्या दूँ, दो तीन दिन हो चुके हैं, ये देखिए बारिश लगी हुई है, अब सुबह से अभी तक तो मैंने हरा घास खिलाया, लेकिन अब बारी इसकी है, क्योंकि भाई अब तो काटना मुश्किल है। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30 हो चुके हैं एक्चुअली, और भगवान जी जो है ना एक भी मिनट के लिए, इन्होंने होता है ना जैसे कि लंच ब्रेक कर लेता हूँ और टी टाइम होता है टी ब्रेक कर लेता हूँ, कोई भी ब्रेक नहीं लगाई, बिना ब्रेक की गाड़ी जो है वो चली हुई है भाई। और क्या ही बोलूँ आपको, ठंड जो है ना, ठंड भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, स्वेटर नहीं पहनी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्वेटर पहननी चाहिए थी, ठंड ठंड महसूस हो रही है। और एक बच्ची बेचारी, इसको हमने यहाँ पे बांधा हुआ था, वैसे तो ये छज्जे के नीचे है, लेकिन मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों बार बार बारिश मेरे को जा रही है। और इसको बाहर ही यहाँ रखा हुआ था, पानी की बाल्टी भी रखी थी साथ में, इसको तूड़ी डाल के रखी थी हमने। और हमारे पशु पता क्या है, हमारे पशु ना तूड़ी नहीं खाते, लोगों के पशु तूड़ी जो है खा जाते हैं, हमारे पशु तूड़ी खाते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नाश करते, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं है हमारे पास, आज तूड़ी ही है। तो मैं अभी देख रही थी शाम के टाइम को, मैं क्या थोड़ी बहुत देर भगवान करेंगे ही निम्बल, चाहे आधा घंटा 20 मिनट, तो उतने में ना मैं फिर यहीं से नज़दीक से कहीं से फटाफट से काट के ले आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी मजबूरी है, तूड़ी ही डालनी पड़ेगी इनको, और क्या करें फिर, तूड़ी से तो ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं दे लेती हूँ अपनी गायों को तूड़ी, डाल लेती हूँ और उसके बाद चाय पियेंगे, चाय पीनी है। मैंने दिन में खाना भी नहीं खाया, आज सुबह नाश्ता ही किया है, और भूख सी महसूस नहीं हो रही थी ना, ऐसे ही तो एक फुलका ना ऐसे ही जैम के साथ खा लिया था, नैना को भी दिया, खुद भी खाया, बस ऐसे ही, बाकी नहीं खाया कुछ भी, अभी चाय के साथ लेंगे। और ये देखिए गाइस हमें यहाँ पे क्या मिला, अखरोट मिले है थोड़े से, तो दे रही हूँ ना। और यहाँ पे ना नैना जिद करी थी कि मेरा अखरोट मेरे पास दो, मैं ही तोड़ूंगी। तो आजकल के बच्चों को ना पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी बोलते ना सबर नाम की चीज़ तो है ही नहीं। और यहाँ पे बस हम दोनों ने अखरोट खाए थे, और उसके बाद मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि बारिश थी। वैसे तो शाम के टाइम में घास को गई थी, लेकिन फिर बारिश में ना कैमरा ले जाना जरा मुश्किल होता है, ख़राब होने का डर रहता है, तो बारिश में ना इस तरह से होती है। देखिए हमारे गाँव वालों की लाइफ यहाँ पर हिमाचल में बहुत ही मुश्किल हो जाती है पशुओं के लिए, और छिलके है ना थोड़ी गर्मी है, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बरसात में मतलब बारिश में। तो बस गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ना मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने आपको एक पहलू ये भी दिखाया गांव की ज़िंदगी का, कि बारिश के दिनों में जो हमारे जैसे गौपालक हैं उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से हमारा काम होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम जो विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चलिए मिलूंगी आपसे एक और ऐसे ही विलेज लाइफ ब्लॉग के साथ। बाय।